एक बहू ने अपनी सास को बच्चे की तरह प्यार दिया। एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को भूलकर उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास को भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी, बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कहा, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना, अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी आखिर सोच में पड़ गई, फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है, इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने, क्या अब मैं इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊँ? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको यह करना ही होगा, मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं अच्छे से देखभाल करूँगी, मेरी दोनों आँखें बराबर हैं, जैसे लड़की है वैसे ही आप भी हैं। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसने अपने पति की बात याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बाली तुम और अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी, जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी, उन्हें वहाँ से बुलाया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए, अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है, जब गोविंद की चोटी रखवाई है तो आपकी क्यों ना रखवाऊँ, इसलिए आप भी जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया पर बहू टस से मस नहीं हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो बोला वही किया उसके साथ। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सिर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती। ऐसे ही रोज का हाल था। बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो, माँ गली में खेलने गई हैं? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ खेलने जाती हैं? बहू ने कहा, तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना, मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान छिदवाए हैं और कानों में बालियाँ पहनाई हैं, जब लड़की की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली थी, जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूँ, मुझको सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख पत्नी की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर
बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलते खेलते आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू झलक गया। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी बातें सुनाई। आशा करती हूँ ये फ़नी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।